ये हरियल पक्षी महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है और हमारे देश के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे हमारे देश के जो नज़दीकी देश है ना, उनमें भी ये दिखाई देता है। कितना खूबसूरत है। टेरन फिनिकॉप्टेरा नाम है इसका। बहुत ही खूबसूरत है ये। ये डॉग कैटेगरी का है और इसको हिंदी में हरियल पक्षी बोलते हैं। हरियल, हरियल बर्ड। ये हरियल पक्षी जो है ना, बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर धूप में आई हूँ और मेरे घर की छत की दीवार में ना एक जो होल बना हुआ है उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन लगाया है, क्योंकि अगर मैं इसको सामने से शूट करूँगी, देखूँगी तो ये उड़ जाएगा और मैं नहीं चाहती ये उड़ जाए। मेरे घर पे जो बेलगिरी का पेड़ है ना, उसके टॉप में इसने अपना घोंसला बना लिया है। मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको देखकर, क्योंकि ये हर साल आता है और इसको इसके मेरे पिछले 4-5 साल में बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैं बहुत मुश्किल से ले पाती हूँ। बहुत सारे में तो पेड़ों के बीच में पत्तों में इसका कलर दिखता भी नहीं है। ये बर्ड देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का है एकदम, जो वो होता है ना कबूतर, ये ग्रीन कलर का कबूतर है। वाइट चोंच है इसकी और जो सर है वो थोड़ा सा सलेटी कलर का है, ग्रे टाइप का, और गर्दन एकदम येलो है, येलो। और इसके जो पंख हैं पीछे वो पूरे ग्रीन कलर के हैं, ब्लू आइज़ हैं इसकी। बहुत खूबसूरत बर्ड है ये, देखिए कितना सुंदर है। ये हर साल आते हैं, जोड़ा है, और थोड़ी देर के लिए इस पेड़ में बैठकर उड़ जाता है। इस बार इसने पहली बार मेरे इस पेड़ में घोंसला बनाया है। इस पक्षी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है, ये कभी भी ज़मीन पर पैर नहीं रखता, कभी भी नीचे नहीं बैठेगा ज़मीन पर अपनी पूरी ज़िंदगी में। ये हमेशा ऊंचे पेड़ों पर रहता है और वहीं पर पक्षी ये वहीं पर घोंसला बना लेता है। ज़्यादातर पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाता है ये ऊँचाई पर घोंसला, पर इसको पता नहीं, मेरा ये जो बेलगिरी का पेड़ है ना, ये इसको बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी है कि इसने इसमें अपना घोंसला बनाकर, और ये अंडे देने के लिए फ़ीमेल बैठी है, शायद दे भी रखे हों। मैं इसको ज़्यादा देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये उड़ ना जाए। अभी भी दोपहर हो रखी है, शायद 2 बजे हैं, और मैं सिर्फ धूप में इसकी फ़ोटो लेने के लिए, आपको दिखाने के लिए आई हूँ। और ये छोटा सा छेद मैंने देख लिया था कि इसमें से मैं इसको देख पाऊँगी, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर। ये एक शाकाहारी बर्ड है, ये सिर्फ अंकुरित अनाज और फ्रूट्स ऐसे ये सब चीज़ें ही खाता है। ये कोई भी कीड़े और कुछ मांस के टुकड़े ये सब चीज़ें ये नहीं खाता है। बहुत शाकाहारी और बहुत सुंदर बर्ड है। इसकी आवाज़ तो मैंने बहुत पहले सुनी थी, अभी मैं नहीं बता पाऊँगी, थोड़ी सी कबूतर के टाइप की थी, और बहुत ही सुंदर है ये, बहुत सुंदर। मैं तो इसके लिए प्रे करूँगी कि ये यहीं पर अपने इसके अंडे में से बच्चे आ जाएं और ये यहीं पर रहे हमेशा। इसके लिए मैंने नीचे खाना और पानी वानी सब रखा हुआ है। मैं अभी उठकर धीरे धीरे जाऊंगी, छुप कर बैठी हुई हूँ यहाँ पर ना इसको दिखाने के लिए। देखा आपने कितना सुंदर बर्ड है। मैं ऐसे बहुत सारे बर्ड्स जिनके बारे में आप शायद जान नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये इतनी कम देर के लिए दिखाई देते हैं और कुछ लोग तो इन्हें नोटिस भी नहीं करते, और नोटिस करते हैं तो एकदम से उड़ जाते हैं फुर से। मैंने 5 साल में पहली बार इसकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इसको देखना, इसकी फ़ोटो लेना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है हर साल। और ये इसने यहाँ पे घोंसला बना लिया है, और मैं इसके जब अंडे अगर मुझे दिखेंगे, ये उड़ेगी और बच्चे होंगे, तो मैं उनकी वीडियो आपके साथ में फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। आशा है कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने ऐसे बहुत सारे पक्षियों की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आप लोगों के लिए जो मैं एक अपने YouTube चैनल पर शेयर करूंगी,
और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको भी कोई नया बर्ड अगर दिखाई दे तो उसकी फ़ोटो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू। मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप भी इस टाइप के खूबसूरत पक्षियों के बारे में जानकारी ले सकें, और ये कुदरत की बहुत ही सुंदर देन है हमारे लिए।